कि न धैर्य न पलायन, क्षत्रिय न वीरता दिखाता है, न वीर दिखाता है और न पलायन करता है। और हिमा ये विषय आता नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी भी चौहान है, इसलिए हम सबका मान सम्मान करना और हमारे वीरों का और वीरांगनाओं का सम्मान करना उनका भी कर्तव्य है और उनका भी अधिकार है, इसलिए वो करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजपाल सिंह सिसोदिया जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। श्री राजपाल सिंह जी, आचार्य दिन जो है क्षत्रिय समागम का दिन है। आज का दिन हम सब राष्ट्रपिता के लिए इतिहास गौरवमयी दिन है, क्योंकि आप सब साक्षी बने हैं मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आखिरी सत्कार से, जिस सत्कार से आप हकदार हैं, और मुख्यमंत्री जी जिस विनम्रता के साथ आपके बीच में आकर और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए आपका अभिवादन अपने निवास में कर रहे थे। बंधुओं, यह शिवराज सिंह चौहान जी ही कर सकते हैं और किसी शासक की है स्थिति नहीं है। मैं आपके सामने आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर कर्तव्य निज अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें। दोनों हाथ उठाकर अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों बार कर्तव्य नहीं से जय सरदार की, जय सरदार की। अच्छा है ये क्षण हम लोगों को गौरवान्वित करे। हम सब लोगों के लिए ये क्षण जो है रोम रोम में गौरव बनने वाले शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास में मिले थे आदरणीय अरविंद भदौरिया जी के नेतृत्व में। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जैसे ही हमने कहा कि कुछ मांगे हैं आज हम समाज की, बिना देखे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मांगने की आवश्यकता है सीधा जवान से, मैं कौन हूँ, मैं आप कहीं हूँ, आप बताइए क्या करना है। एक एक मांग मानी जाएगी, एक एक मांग को स्वीकार किया जाएगा, फिर ये क्षण 30,000 के साथ आपने हम सब लोगों की बात को सुना। मंचा से सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, समाज के देश के श्रेष्ठ सभी लोग जो बना रहे हैं सबका अभिवादन करता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है कि मांग पत्र के बारे में मुझे वर्णन करना है, कुछ प्रमुख बिंदु आपका ध्यान आकर्षित कराना है। सबसे पहली और प्रमुख मांग है कि महाराणा प्रताप जी की जयंती का शासकीय अवकाश घोषित हो, जो हमारे महापुरुष के जन्मदिन का समय रहता है, अवकाश घोषित हो। दूसरा, गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में पद्मावत जी का एक संग्रहालय बनाया जाए, एक जो है पार्क बनाया जाए जहाँ पर हमारे राजपूत राजा महाराजाओं के मूर्तियां लगे और उनका एक पूरा स्मारक बनने का काम हो। पद्मावत फिल्म के समय पर राजपूत और क्षत्रिय और आंदोलनकारियों के ऊपर उस समय पर केस दर्ज हुए थे, वे केस वापस लिए जाए, वह प्रकरण वापस लिए जाए। राजपूत समाज एवं स्वर्ण समाज से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए जिला कृषि स्तर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में राजपूत समाज एवं स्वर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभागियों के परीक्षा का शुल्क न लिया जाए। ऐतिहासिक तथ्यों और क्षत्रिय महापुरुषों की वंश परंपरा से छेड़छाड़ को कानूनी अपराध घोषित किया जाए। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में राजपूतों की महाविद्यालय की सभा के आधार पर राजपूत इतिहासकारों को शामिल किया जाए। भारतीय गणराज्य के निर्माण में संप्रभुता संपन्न भारतीय राज्यों के विशिष्ट योगदान को विद्यालयों में पढ़ाया जाए, साथ ही पाठ्यक्रम में क्षत्रिय महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी शामिल किया जाए। नवीन मांग है राजपूतों की
प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, जिस पर महापंचायत प्रशिक्षण अकादमी प्रशासन के अन्य शासकीय सेवकों की भर्ती प्रक्रिया आई हेतु 14 क्लासेज डेवलपमेंट एंड उद्यमिता विकास का संचालन की जा सके। स्वर्ण आयोग में राजपुर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। स्वर्ण आयोग को कार्य करने कार्य योजना बनाने के लिए शक्ति एवं बजट प्रदान किया जाए। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा राजपुर समाज द्वारा निर्माण कर ली गई है। मूर्ति स्थापना हेतु भोपाल में प्रमुख स्थान पर 1 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, जहाँ पर राजपुर समाज प्रतिमा स्थापना के साथ ही स्वयं के निधि से राजपुर गौरव सभी इतिहास का संग्रहालय का निर्माण कर सके। राजपुर समाज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा शिक्षा डिग्रियों का विवाह व्यवसाय व्यापार में पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रदेश स्तरीय गैस क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की जाए, जिसमें शासन 50% अपना प्रारंभिक अंशदान धारण करने का काम। मध्य प्रदेश द्वारा भविष्य में आयोजित समस्त भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रदेश के नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान करने का स्पष्ट कानून बनाया जाए। समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू की जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि एवं मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र की सीमा में एवं परीक्षा फीस की सीमा में एवं छात्रवृत्ति में प्रदान करने में उसी प्रकार का लाभ दिया जाए जैसा अन्य आरक्षण वर्ग में दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता 1 वर्ष होती है, उसको बढ़ाकर 3 वर्ष करने की मांग मानी है। एनपीपीएससी की 2019-2020 की भर्ती पूर्ण कर किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। सरकार गौशालाओं को स्तर में सुधार करे। गोबर गोमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करे, ताकि गोपालन से रोजगार के अवसर बढ़ सके। सभी जिला स्तर पर राष्ट्रीय महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने एवं पार्क निर्माण के लिए समाज के आग्रह पर उन्हें भूमि आवंटित करने का काम किया जाए। कोरोना के कारण राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाए। इस प्रकार की कुछ मांगे हैं जो राजपुर समाज के साथ साथ में सभी सामान्य लोगों के लिए है, सर्वसमाज ये मांगे क्षत्रिय समाज के इस समागम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम निवेदन कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी मांगे आप अक्षर माँ पूरी करेंगे, घोषणा करेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आप ये सब घोषणाएं पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मांग पत्र सौंपते हुए सभी क्षत्रिय संगठन के प्रतिनिधि भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। सम्मानित श्री रामपाल सिंह जी, मंचासी, हम सब के मध्य प्रदेश के गौरव और क्षत्रियों के हमेशा सहयोगी और संरक्षण करने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित मंत्रीगण, सांसद जी, सभी क्षत्रिय समाज क्षत्रिय संगठन के सभी हमारे अध्यक्ष करणी सेना के अध्यक्ष जी, संचालक जी, उपस्थित सभी क्षत्रिय सरदार जो मध्य प्रदेश से छोटे से आवर पे यहाँ पधारे हैं, बहुत शक्ति है, युवा शक्ति है, सभी
छत्तीस भाव को सबके मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आपका स्वागत भी करता हूँ। आज यहाँ हम लोग 90 से भी ज्यादा विधायक हैं। आजादी के बाद हम पहली बार, कई बार 10 साल हम विपक्ष में विधायक रहे थे, हमने मांग की कि छत्रियों का सम्मेलन किया जाए तो लोग डरते थे कि छत्रियों का सम्मान सम्मेलन करना ठीक नहीं। जब हमने तय किया जम्बूरी मैदान और लाल परेड मैदान, आदरणीय भदौरिया जी हम लोग सब गए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि क्यों मैदान में कर रहे कार्यक्रम, वहां क्यों कर रहे, मध्य प्रदेश के छत्री अगर आएंगे तो सीएम हाउस आएंगे, सीएम हाउस निमंत्रण दीजिए, ये बहुत अद्भुत काम है। प्रसन्न छत्री, आज आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, भोजन से लेके पूरी व्यवस्था है, इतनी अच्छी छत्रियों को सम्मान से बढ़ के और कुछ अच्छा लगता है कि नहीं बताओ? ये लगता है सम्मान से बढ़ के कोई चीज है क्या? वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिया है, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये हम लोगों को चाहिए, वो आपने दिया, हमारे सब लोग भाई बहन आ जाए। लोग सोचते हैं बरसों से, और छत्रियों के प्रति माननीय शिवराज जी चौहान साहब को हम लोग साक्षी हैं। राजेंद्र जी विदिशा जिले में छत्री परिवार पर बहुत प्रभावित हत्या कर दी थी। विदिशा जिले में इतना प्रभावी परिवार था कि विदिशा में कोई बोल नहीं रहा था। उसी टाइम पे किसान पुत्र सांसद के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे, वहां आंदोलन किया विदिशा में, और छत्री परिवार के बेटा बेटियों को न्याय दिलाए, मर्डर हो गया था, कोई बोलने वाला नहीं था। बोरास में आजलीकरण में 4 लोग शहीद हो गए थे, उनको कोई पूछने नहीं जाता था। आजादी रायसेन जिले को बाद में मिली, 4 लोग शहीद हुए गोली खा के, झंडा फहरा रहे थे, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने गए बोरा शहीदों को, तो वो माननीय शिवराज जी चौहान साहब है जो शहीद, ये चौहान से विलीनीकरण आंदोलनकारियों का सम्मान करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, राजपूत समाज का भदौरिया जी बेटे भवन बनाने वाले, नियम बदल दिया विधायकों ने, भवन के लिए राशि दी, जब फिल्म बन रही थी उस पर जब रोक लगाने की बात आई तो माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने कहा नहीं, तुरंत उस फिल्म पर रोक लगाने का काम किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ऐसे अद्भुत काम आपने किए। और आज आपके इधर ये आयोजन में हमारे 36 सरदार पधारे, सबको आमंत्रित, छोटे से आमंत्रित में यहाँ आए, और आज यहाँ आप सबके सुनने आए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप छत्री चौहान नाम क्या हो, चौहान नाम सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते, विदेशों में भी हमारे प्रवासी लोग है चौहान सुन के प्रसन्न होते, चौहान चौहान भी तो नाम, हमारे चौहान है भाई, हम सब लोग छत्री लोग, हम लोग हम सबका गौरव आप बढ़ाइए। और मध्य प्रदेश का छत्री, आज चूंकि सीएम हाउस में आपने इतना सम्मान कर दिया है, हमारे संचालक जी कह रहे हैं हमारे छत्री लोग एक बार सीएम हाउस आ गए, और आपने जो हमारा अभिनंदन किया हमारे भाइयों बहनों का, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं 36,000 आपका। मैं भी आपको बार बार धन्यवाद, और ये जो आपने निर्देश दिए थे हमारे भदौरिया जी को कि सीएम हाउस में मेरे मेहमान है, मध्य प्रदेश के छत्री कार्यक्रम रोक के, और जो उपलब्धि है जो मांग पत्र है उसको भी आपने सहजता के साथ कहा कि जो भी होगा हम पूरा करेंगे, उसके लिए हमारे आयोजन समिति जो व्यवस्था में लगे हुए पूरे जिलों से पधारे हुए हमारे प्रतिनिधि माननीय विधायक सांसदगण, उनको भी जब फोन गया वो भी यहाँ कृपा पूर्वक पधारे, उनका तो उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी। अब मैं मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी से अनुरोध करता हूं, आप मंच पर पधारें और हमें संबोधित करें। आदरणीय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी। बोलो भारत माता की। साहब बैठे हैं सामने, छत्री आवाज जो है ना गूंजना चाहिए, टीकना चाहिए जिसको कहते हैं। बोलो भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्यामपते रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बंसी वाले की जय, बंसी वाले की जय, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणा स्रोत, मध्य प्रदेश के जन जन के
लाड़ नेता, सेवक नेता, हितैषी नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान के लिए बात जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। बाकी हमारे सभी सम्मानित मंच के बंधु, क्षत्रिय समाज के 32 संगठन यहां पर उपस्थित है, आदरणीय गौगा मणि साहब के लिए बात जोरदार तालियां बजाई। अतिथि तो वास्तव में हमारे है गौगा मणि साहब, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बड़ा अच्छा गौगा मणि जी ने, मैं आपका मुरीद हो गया गौगा मणि जी, आप जो जैसे देखते हो वैसे भाव है। एक बार पूरा सम्मान करिए हमारे करणी सेना के अध्यक्ष महोदय का। बोलो करणी, सामने बैठे हुए हमारे स्वजातीय बंधुओं, पारिवारिक बंधुओं, बड़े हैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माताएं बहने, हमारी युवा साथी, सुनने तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको बड़े सम्मान के साथ यहां पर बुलाया है। जैसे राज्यपाल सिसोदिया जी बता रहे थे, कुछ विषयों को लेकर 27-31 संगठन इकट्ठे हुए। मैंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको जो है ना लेके चलते हैं, आपके विषयों की मांगों को जरूर सुनेंगे, संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय है। जब हम वहां पे पहुंचे तो हम लोग यहां पे आएंगे कि हमने कहा नहीं, बड़ा कार्यक्रम बाहर करके आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, उस कार्यक्रम में आप चलेंगे, वहां पे ज्ञापन लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि आप आए हो, 32 संगठन के प्रमुख आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास पे आपका ही निवास है, जनता जनार्दन का निवास है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देश दिया कि सबको यही बुलाओ, हम स्वागत करेंगे, हम सम्मान करेंगे, हम सुनेंगे भी, और संवेदनशीलता के साथ हमेशा साथ भी खड़े रहेंगे। ऐसे है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने लंबे समय तक सेवा भाव में लगातार प्रयास करते हुए विकास के पद पर निरंतर बढ़ते हुए कोई नेता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान है। अकेले राजनीतिक नेता नहीं, मैं जो देखता आया हूं, मेरी प्रेरणा स्रोत है, मेरे पुंज है ऊर्जा के, मैं इनको देखता आया हूं। माननीय बंधु, हमारे स्वजाती बंधु, ये अकेले राजनीतिक नेता नहीं है, ये सांस्कृतिक नेता भी है, ये आध्यात्मिक नेता भी है, ये धार्मिक नेता भी है। ये सांस्कृतिक दृष्टि से आपने देखा होगा, एक मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पे, एक भी तीज त्योहार कभी नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय गणेश जी की चतुर्थी होती है तो भाभी साहब के साथ जाके गणपति पप्पा मोरिया करके सर पे रख के स्वयं गणेश जी को लेके आते हैं। दुर्गा जी का कोई कार्यक्रम होगा तो मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करेंगे तो हर दृष्टि से विचार करेंगे। ऐसे हैं लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे बीच में है, हमसे संवाद करेंगे, हमसे बात करेंगे। आपने हमने कई नेता देखे ऐसे कि मैं एक बार मजाक में मैं साथ में था, हेलीकॉप्टर में शिवपुर जा रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा हमें जनपद का सदस्य बन जाता है या सरपंच बन जाता माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो गालों पे लालानी आ जाती है, जिला पंचायत सदस्य हो गए तो पैर में ठुमका बजने लगता है, और कोई विधायक हो गए तो चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि मैंने माननीय आप 1990 से लगातार जनप्रतिनिधि है, कई बार के विधायक है, सांसद 5 बार के हैं, मुख्यमंत्री आजादी के बाद इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहे। मैंने आपको हमने विद्यार्थी परिषद में काम करते देखा तब भी ऐसे थे, हमने विधायक बनते देखा तब भी ऐसे थे, सांसद बनते देखा तब भी ऐसे थे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महामंत्री बनते देखा, राष्ट्रीय महामंत्री बनते देखा तब भी ऐसे ही थे, और आज देखता हूँ 16-17 साल का मुख्यमंत्री तो तब भी ऐसे हैं। तो हमने भाई साहब क्या बात है, आप में कोई अंतर नहीं आया, आपके जैसे चेहरा पहले था वैसे ही है। तो मुख्यमंत्री महोदय का जो जवाब था, बोले अरविंद भाई, अरविंद भैया, जब तक इस मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पे चमक नहीं आएंगे तब तक मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चमक नहीं आएगी, जब तक मजदूरों के चेहरे पर चमक नहीं आएगी तब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चमक नहीं आएंगे और मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता के चेहरों पर चमक नहीं आएंगे तब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई आनंद लेने के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। ये सेवा भाव से 20-20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय को मैं समाज के बीच में ज्यादा तालियों के सामने करता हूं कि हम सबके बीच में आए और अपना संबोधन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगे तो पूरी करने वाले ही है, वो घोषित करने वाले हैं, तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान बोलिए भारत माता की। अब जब प्रीता दीदी बोले जितना बहुत जोर से बोल रहे बोलिए भारत माता की जय, मात की जय, महाराणा प्रताप की जय, राजपूत समाज की जय। आज मन पर राजपाल हमारे महामंडेश्वर परम पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज, गर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अतिथि वो है, वो मेहमान है हमको मेरी बात, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से ज्यादा होता है। आदरणीय कोंगावन जी, उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है। आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे मंत्रिमंडल के आज मैं देखो आदरणीय अरविंद भदौरिया जी हमारे सहकारिता मंत्री, यशस्वी नेता आदरणीय महेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह